जमाने का नया फंडा। दोस्तों, आपके घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्री फ्री? जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। इसके आगे आपको कोई इलेक्ट्रिक बिल नहीं आएगा। इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई और सोलर प्लांट आपके घर पर लगाकर इलेक्ट्रिक बिल्स और प्रदूषण से हरदम के लिए बचो। सोलर रूफटॉप प्लांट यह लाइफ टाइम के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार लगाओ और इलेक्ट्रिक बिल से छुटकारा पाओ। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा करना अभी स्मार्ट काम नहीं, सोलर पैनल में इन्वेस्टमेंट यह लाइफ टाइम की बचत है। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? बढ़िया हो गए। आज आपके तरफ मैं नया एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। नए सब्जेक्ट में सोलर रूफटॉप पैनल और सोलर पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है और उसमें लगाया हमारे घर में तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें मिल सकते हैं, उसको हमें आज देखने का है। तो दोस्तों, अभी अपने को हमारे घर में अलग अलग इलेक्ट्रिक लोड लगे हुए रहते हैं। सीलिंग फैन है, एसी है, मिक्सर है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिक लोड लगे हुए रहते हैं। और पूरा जो इलेक्ट्रिक लोड लगा हुआ रहता है उसका सैंक्शनिंग हमें एमएससीबी देती है। ये जो सैंक्शनिंग हमें एमएससीबी देती है, सपोज हमारे घर में जो लोड है वो 5 किलोवाट का सैंक्शन दिया है, ये जो 5 किलोवाट का इलेक्ट्रिक लोड सैंक्शन मिला है, लेकिन एक्चुअल लोड कितना लगा हुआ है? एक्चुअल लोड 3 किलोवाट ही लगा है। तो हमको जो हर महीने का बिल जो आता है, ये 3 किलोवाट का ही आता है, 3 किलोवाट का ही बिल आता है। 3 किलोवाट में हमारा जो बिल आता है अप्रोक्सीमेटली, या एवरेज बिल हम जो बोलेंगे, वो 3400 रुपये महीने का बिल एवरेज आता है। वो हर महीने कम ज़्यादा होते रहता, जैसे अप्रैल महीने में 3800 आया, मई महीने में 3600 आया, फिर जून जुलाई अगस्त में वो कम कम होते जाता है, ठंडी में और कम होता क्योंकि हम एसी वगैरह यूज़ नहीं करते। ऐसा साल भर का हमने एवरेज निकाला तो 3400 रुपये महीना, प्रति मंथ कितना बिल आता है? 3400 रुपये। तो ये 3400 रुपये हमने लोड कनेक्ट कितना किया है? 3 किलोवाट का है। तो एवरेजली हम जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं एमएससीबी से, वो 310 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। 310 यूनिट कंज्यूम करते हुए हम सालाना एमएससीबी को इलेक्ट्रिक बिल कितना पेड करते हैं? 40,800। साल भर में हम एमएससीबी को जो इलेक्ट्रिक बिल पेड करते हैं वो 40,800 बिल पेड करते हैं। देखो, यहाँ पे इतना ढेर सारा हम खर्चा करने के बाद हमको बचत कुछ होती है क्या उसमें? नहीं। और हमारे सिर के ऊपर लोड रहता है कि भैया बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, एसी लगाया है, बाकी गीजर लगाया है, उसको यूज़ मत करो, बिल ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छा सॉल्यूशन अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दी है। सोलर पावर का जो सोर्स है हमको भगवान ने दिया हुआ, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और ये सोलर पैनल हमने अगर फिट किया, सोलर प्लांट हमारे घर में लगाया, तो हम खर्चा कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा बचत में। ये सोलर प्लांट्स हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल्स जो है, तो ये सोलर पैनल के ऊपर सौर ऊर्जा यहाँ पे आती है, सौर ऊर्जा आती है ये सोलर पैनल के ऊपर। सौर ऊर्जा जैसे गिरती है तो इसका ये जो फोटोन है इसका कन्वर्शन इलेक्ट्रिसिटी में होता है। ये सोलर पावर यहाँ पे जनरेट होती है। ये जो सोलर पावर जनरेट होती है, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ रहता है। इन्वर्टर ये सोलर पावर हमको 230 वोल्ट में, जैसा घर में यूज करने के लिए इलेक्ट्रिक लगती है,
उस प्रकार से ये सोलर पावर इलेक्ट्रिक सोलर का कन्वर्शन करके देता है। ये 230 वोल्ट हम अगर घर में यूज करते हैं तो पहले हमारे घर में आएगा। अगर हमारे घर में इसकी आवश्यकता नहीं है, हम बाहर गांव गए हैं, स्विचेस ऑफ है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ये नेट मीटर के थ्रू यहाँ पे ग्रिड को फीड हो जाएगा, एमएससीबी को वापस कर देंगे हम। एमएससीबी के तरफ हमारे जो यूनिट्स है वो जमा रहेंगे, तो ये नेट मीटर उसके लिए लगता है। ये नेट मीटर हम लगाने के बाद प्लस माइनस बिलिंग होता है। हम अगर यूज करते हैं तो प्लस बिलिंग होगा, हम अगर यूज नहीं करते सोलर पावर तो एमएससीबी के तरफ हमारे यूनिट्स क्रेडिट रहेंगे, यानी माइनस बिलिंग होगा। रात को क्या होता है, रात में तो सूर्य नहीं रहता, सोलर पावर सोलर पैनल्स काम नहीं करते, तो हम एमएससीबी से इलेक्ट्रिक पावर ड्रॉ करते हैं, एमएससीबी से इलेक्ट्रिक पावर ड्रॉ करते हैं। लेकिन दिन भर में हमने इतने यूनिट तैयार किए रहते तो एमएससीबी की तरफ वो क्रेडिट रहते और बाद में वो हम ड्रॉ करते हैं। ऐसा दिन भर में रात दिन में प्लस माइनस बिलिंग चालू रहता है। ये प्लस माइनस जो बिलिंग है वो यहाँ पे हम देखेंगे अभी, ये प्लस माइनस बिलिंग चालू रहता है तो यहाँ पे ये चार्ट में हमको ध्यान में आएगा। ये सोलर पैनल हमने यहाँ पे 3 किलोवाट का एग्जांपल कंसीडर किया है, हमारे घर में लोड कितना लगा है इलेक्ट्रिक का 3 किलोवाट का। यहाँ पे सोलर पैनल्स हमको कितने लगेंगे, 330 वाट का 2 मीटर बाय 1 मीटर का सोलर पैनल आता है। 330 वाट का 2 मीटर बाय 1 मीटर का सोलर पैनल आता है। ऐसे 9 पैनल्स हमें लगते हैं 3 किलोवाट कंप्लीट होने में, 3 पैनल का 1 किलोवाट होता है, तो 3 किलोवाट के लिए 9 पैनल्स हमको लगते हैं। और 9 पैनल के लिए जगह कितनी लगेंगी हमारे छत के ऊपर, 600 स्क्वायर फीट। 9 पैनल हमको छत पे फिट करना है तो 600 स्क्वायर फीट जगह लगनी है। यहाँ पे 3 किलोवाट में सूरज अगर अच्छी रोशनी देता है दिन भर में तो 12 यूनिट तैयार होते हैं। कभी सूरज अच्छी रोशनी देता है लेकिन बादल अगर रहते हैं तो कम रोशनी देता है, तो ये अगर प्लस माइनस कंसीडर किए तो यहाँ पे एवरेजली 3 किलोवाट में 10 यूनिट हमारे बनते हैं। तो साल भर में कितने बनेंगे, 3650। 3650 यूनिट जो है हमारा कंजम्पशन जो है 310 यूनिट का है, 310 यूनिट का कंजम्पशन है। साल भर का कितना कंजम्पशन हो गया, ये प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। साल भर का अप्रोक्सीमेटली 3,3200 वगैरह हो जाएगा। इसके हिसाब से हम जब बना कितने रहे, 3650 प्लस माइनस सूरज की रोशनी रहती है तो जितना बना रहे उतना कंज्यूम कर रहे। तो इस प्रकार से 3 किलोवाट का अगर लोड हमारे घर में है तो 3 किलोवाट का प्लांट हमें लगाना पड़ेगा, जिसको लगाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1,75,000 रुपये खर्चा आता है। थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है इसमें, प्लस माइनस 5% 10% जो भी आप कौन से गांव में रहते हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी में हम कंसिडर करेंगे तो 3 किलोवाट के लिए 1,75,000 रुपये खर्चा आता है। ये 1,75,000 रुपये अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारा फायदा ही फायदा कैसा है, सोलर पैनल जो हम लगा रहे हैं इसकी वारंटी कंपनी लेती है 25 साल 25 से 30 साल की वारंटी कंपनी लेती है। इसमें बेस्ट क्वालिटी के हम सोलर पैनल और इसके साथ हमें लगाना पड़ता है इन्वर्टर, और एमएससीबी से इसका सैंक्शनिंग लेना पड़ता है, इसके साथ नेट मीटर लगाना पड़ता है। तो ये नेट मीटर, इन्वर्टर, उसका वायरिंग सिस्टम, उसके बाद
लाइटिंग अरिस्टर, उसका फाउंडेशन और सोलर पैनल रूफटॉप पैनल्स की फिटिंग, इतना हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो रोज के 10 यूनिट और साला और इसके हिसाब से साल भर के हमको 3650 यूनिट मिलते हैं। तो ये इसका लाइफ वारंटी कंपनी लेती है 25 साल की, लेकिन इसका लाइफ 50 साल कुछ नहीं होता, इसको मेंटेनेंस फ्री प्लांट रहता है, कुछ भी खराबी 99% नहीं आती। इसका सोलर पैनल का वारंटी कंपनी लेती है 25 साल, यानी लाइफ टाइम वारंटी है। इन्वर्टर जो है उसकी 5 साल की वारंटी रहती है, लेकिन ओवरऑल एक बार प्लांट अच्छे से चलने लगा तो उसका लाइफ 50 साल है। 50 साल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 1,75,000। ये अगर हम 50 साल यूज करते हैं तो देखिए दोस्तों, हम बिल कितना एमएससीबी का भर रहे थे, महीने का 3400 रुपये, तो साल का हम कितना भर रहे थे, साल भर में हम खर्चा कितना कर रहे थे, 40,800 रुपये। 40,800 रुपये साल का, तो 50 साल का कितना हो जाएगा, 20,40,000 रुपये। तो ये 20,40,000 और हम 1,75,000 प्लांट पे इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं थे, बैंक से कर्जा लिया, ईएमआई का अरेंजमेंट किया, 5 साल के लिए ईएमआई भरे, फिर भी हमको वो प्लांट कितने में गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2,00,000, 2,10,000 में हम मोटा मोटी कंसिडर करेंगे, ये प्लांट हमें 2,00,000 में गिरा। लेकिन 50 साल का अगर हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो ये 20,40,000 रुपये जो हम खर्चा करने वाले थे वो हमारे बचत हो जाएंगे। 2,00,000 हमने खर्चे किए, 2,00,000 लगाए, हमारी बचत कितनी होने वाली है, 20,40,000, यानी नेट प्रॉफिट हमको कितना होने वाला है, 18,37,000 रुपये, 18,00,000 करीब करीब हमको प्रॉफिट होने वाला है। ये तो हमने इस चालू जमाने के रेट कंसिडर किए है। ये अभी आगे में एनर्जी के रेट तो बढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी महंगी होने वाली है, सब गैस वगैरह सब महंगा होने वाला है। तो हम अगर ये रूफटॉप पैनल लगाते हैं और हमारा लोड जो है इलेक्ट्रिक का कितना भी बढ़ा लेते हैं, उस हिसाब से हम रूफटॉप पैनल एडजस्टमेंट करते चले जाएंगे तो हमारी बहुत सारी बचत होगी। इसमें गैस की भी बचत हो सकती है। कैसे, गैस कम यूटिलाइज करने के लिए हम इंडक्शन कुकर लेंगे, हम माइक्रोवेव ओवन लेंगे, हम इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट लेंगे, हम इलेक्ट्रिक का तवा लेंगे, तो ये सब चलाने के लिए हम उसके हिसाब से अगर प्लांट एडजस्ट करते जाए तो 3 किलोवाट के जगह पे 5 किलोवाट करना पड़ेगा। 5 किलोवाट अगर हम करते हैं तो नेचुरली ये सब लोड हम उसके ऊपर डाल सकेंगे। 5 किलोवाट के लोड हमारे घर में आ गए, इसका फायदा कहाँ पे होगा, हमको गैस कम लगेगा। अभी महीना, एक महीने में एक सिलेंडर अगर रखता है तो वही सिलेंडर हमको 3 महीने 4 महीने चलेगा। इस प्रकार से ये सोलर एनर्जी ये इको फ्रेंडली एनर्जी है। सोलर एनर्जी से कोई प्रदूषण नहीं होता, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, हमारे जीवन के लिए भी ये सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सोलर प्लांट आप जल्दी लगा सकते हो आपके घर में, आप लगाओ, ये मेरी आग्रह की विनंती है। इसके बारे में कोई भी अगर दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है तो आप मेरा फोन नंबर जरूर नोट करके रखिए। मेरा फोन नंबर है 9325940120 या तो 9373100417। तो अभी हम यहीं पे आज स्टॉप हो जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।